शाहिका जब अपना ऑफिस मूव करती है दूसरे रूम में, तब आलिया उसको देखती है और उसका मजाक उड़ाती है। आलिया इस बात पर बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसको हालिद अपना राइट हैंड बनाएगा। इसी बातों बातों में शाहिका आलिया से कहती है कि वो कभी भी अपने भतीजे को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन अगर आलिया उसके साथ दुश्मनी निभाती रही तो एक दिन वो उसका और काया का रिश्ता ज़रूर ख़राब कर देगी। हालिद का पहला मीटिंग होता है ऑफिस में और वो करीम को नहीं निकालता है, प्लस आलिया को अपना राइट हैंड बनाने का ऐलान करता है। आलिया तो इतराते नहीं थकती, पर शाहिका करीम को ना निकालने पर बहुत शॉक्ड होती है। अब कंपनी में हालिद ने जगह सिक्योर कर ही दिया है तो थोड़ी चमचागिरी तो बनती ही है, इसलिए करीम सारे पुराने फाइल्स हालिद को देने आता है। तो इसी बीच हालिद उसे मर्द को यिल्दिज़ के घर भेजने के लिए कहता है, वही प्रेजेंटेशन वाला हेल्प करने के लिए। जाते हुए करीम स्माइल करता है, मतलब कौन जाएगा आपको समझ में आ ही गया होगा। यिल्दिज़ सारा दिन इस बात से परेशान रहती है कि उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया करीम ने। यिल्दिज़ आमिर और कोहर से पूछती है कि व्हाट्सएप मैसेज अगर ब्लू टिक ना हुआ तो कैसे पता करे कि उसने मैसेज देखा है कि नहीं। वो लोग बताते हैं कि अगर ब्लू टिक नहीं है इसका मतलब उसने रीड रिसिप्ट्स ऑफ करके रखा है। अब मैसेज देखेगा भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब वो दोनों यिल्दिज़ को परेशान देखते हैं तो सोचते हैं कि ज़रूर वो हालिद के लिए ही परेशान होगी, क्योंकि उन्होंने आज तक उसको किसी और के लिए परेशान होते नहीं देखा। दोस्तों, आप लोगों में से किन को पता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज सीन करने पर भी आगे वाले को नहीं पता चलेगा, और वैसा सेटिंग कैसे करते हैं? मुझे तो पता है, देखते हैं आप में से किन लोगों को पता है। आसमा हालिद जान को प्ले डेट पर लेकर जाती है। आई किसम जस्ट प्ले डेट टू यू, ये वाला प्ले डेट नहीं, प्ले डेट मतलब जहाँ बच्चों को एक साथ लाया जाता है खेल कूद या आपस में मिलाने के लिए। यहाँ कोई किसी को डेट नहीं करता, वहाँ अचानक से हालिद आ जाता है अपने बच्चे के लिए, और वहाँ पर किसी भी बच्चे का फादर मौजूद नहीं होता है। तो सारी औरतें इवन आसमा हालिद की बहुत तारीफ़ करती है कि वो बहुत ही अच्छा फादर है जो अपने बच्चे को हल्के में नहीं लेता। आसमा हालिद से पर्सनली बात करती है कि मेरी बेटी बहुत ही साफ दिल की है और आपने उसका बहुत बार दिल तोड़ा, लेकिन आप बहुत ही अच्छे फादर है तो मैं चाहती हूँ कि आप और यिल्दिज़ फिर से एक हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको मेरा और यिल्दिज़ का भरोसा जीतना होगा। हालिद कहते हैं कि आप फिक्र बिल्कुल मत करें, मैं किसी भी हालत में सब कुछ ठीक कर दूंगा। हालिद को हालिद चान के साथ वीडियो कॉल पर खेलते हुए देख यिल्दिज़ तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है, साथ में कुंवर और आमिर भी। हालिद चान भी कितने क्यूट लग रहे हैं। अब उनके घर में करीम आ जाता है। यिल्दिज़ अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है पर ऊपर से गुस्सा दिखाती है। जब करीम उससे पूछता है तो यिल्दिज़ का तो आपको पता ही है पेट में बात नहीं रख पाती, तो उसने बता दिया कि उसके मैसेज ना आने पर वो नाराज़ है। ये बात जब आमिर और कुंवर के सामने आता है तो वो दोनों समझ जाते हैं कि करीम को यिल्दिज़ चाहती है, क्योंकि मैसेज को लेके सुबह उन तीनों में बातें हो रही थी। कुंवर इस बात पर बहुत हाइपर हो जाता है कि कैसा लव ट्रायंगल बनने वाला है।